हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 उद्योग। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में अब इस अध्याय 10 के आगे, यानी कि अध्याय 10 से लेकर अध्याय 16 तक का जो आपका जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो केवल और केवल आपको टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, और ये जो है आपके केवल रटने वाली चीज़ें हैं, आप समझने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, तो केवल टू दी पॉइंट चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा और उसको माइंड में बैठाते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए अध्याय 10 उद्योग, इसमें आपको बताया गया है विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर जो विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी है वो है आपका 35,27,34,2 लाख रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी का आकार है आपका 243,476 करोड़ रुपए। तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से आपका 35,27,34,2 लाख रुपए की जो भागीदारी है वो आपके विनिर्माण क्षेत्र की है। देखिए, ये जो विनिर्माण क्षेत्र है ये होता क्या है, हमने देखा था, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, इस उद्योगों के अंतर्गत हम निर्माण, विनिर्माण, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। निर्माण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ों को बनाना, और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, निर्माण के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम जो है आपके लौह अयस्क से हम आपका स्टील बनाएंगे, ये कहलाएगा आपका निर्माण। लेकिन उसी स्टील का प्रयोग करके हम उससे आपके वाहन बना रहे हैं, यानी कि कार बना रहे हैं, एरोप्लेन में जो है एरोप्लेन के पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर आपके बाइक्स बना रहे हैं, तो ये सभी के सभी कहलाता है आपका विनिर्माण, जिसमें हम श्रम का उपयोग करके, औजारों का उपयोग करके उसे शेप दे रहे हैं, उसका सामान बना रहे हैं, तो वो कहलाता है विनिर्माण। ठीक है, अगर हम जो है आपके लौह अयस्क से अगर हम लोहा बना रहे हैं तो वो कहलाता है आपका निर्माण। लेकिन उसी से जो है आपके उस स्टील प्लांट से अगर जो बना हुआ स्टील है उससे हम कोई सामान बनाते हैं, जैसे कार बनाते रहे, बाइक बना रहे, तो ये कहलाता है आपका विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो हम अभी देख रहे हैं आपका विनिर्माण के बारे में, ध्यान दीजिएगा, विनिर्माण का जीएसडीपी में भागीदारी है आपका 35,27,34,2 लाख रुपए। ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का 15.34% है। छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार 243,476 करोड़ रुपए, तो उसमें से 15.34% की जो भागीदारी है वो आपके विनिर्माण क्षेत्र की है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब है कुछ प्रमुख औद्योगिक नीतियां। प्रमुख औद्योगिक नीतियां यानी कि सरकार जो है अपने आगामी वर्षों को ध्यान रखते हुए कुछ नीतियां बनाती है, उस नीतियों के अंतर्गत वो डिसाइड करती है कि हम अपने राज्य में अगर किसी उद्योग को अगर हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, कौन कौन सी छूट उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो एक प्रॉपर जो है वो अपना एक प्लानिंग बनाते हैं, जो कहलाता है आपका नीतियां। ठीक है, देखिए ध्यान समझते हुए चलिएगा, कौन कौन सी नीतियां हैं। एक है आपका ऑटोमोटिव नीति, ऑटोमोटिव नीति यानी कि जो आपके वाहन से संबंधित है। दूसरा है आपका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, कृषि यानी कि जो कृषि उपज फसल से संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि टमाटर है, टमाटर आपके कृषि का पार्ट है, अगर उस टमाटर से हम आपके टोमेटो सॉस बना दिए या टोमेटो केचप बना दिए तो वो कहलाएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि कृषि उपज को प्रोसेसिंग करके खाने योग्य बनाना। तीसरा है आपका ग्रामोद्योग नीति, जो आपके गांव में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके लिए नीति। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा नीति, यानी कि जो आपके सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए जो आपकी नीति बनाई गई है। उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक पार्क नीति का मतलब, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में जो है आपके समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं, कंटेनर जिसमें सामान रखा जाता है, उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है, तो वो जो एरिया है वो कहलाता है आपका लॉजिस्टिक, जहां पर जो है आपके किसी वस्तु का भंडारण करके रखा जाता है, तो वो है आपका लॉजिस्टिक पार्क। उसके बाद नेक्स्ट है आपका औद्योगिक नीति। हमारे प्रदेश में जो आपके उद्योग स्थापित होंगे, जो भारी उद्योग स्थापित होंगे, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है वो कहलाती है आपकी औद्योगिक नीति। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इन आपकी नीतियों की अवधि क्या है, यानी कि नीति कब से कब तक लागू है। देखिए, ये जो आपके ऑटोमोटिव नीति है ये आपके वर्ष 2012 से लेकर के 2017 तक ये लागू थी। ठीक है, वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक लागू थी, अभी वर्तमान में इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन लास्ट जो अपडेट है उसके हिसाब से जो है आपके ऑटोमोटिव नीति जो है हमारे राज्य में वर्ष 2012 से 17 तक 5 साल के लिए लागू थी।
ठीक। नेक्स्ट है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। ये जो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति है ये आपके 7 साल के लागू थी वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2019 तक, इसका भी आगे अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रामोद्योग नीति। ग्रामोद्योग नीति जो है ये वर्ष 2016 से लेकर के वर्ष 2021 तक लागू है, वर्तमान में ये नीति लागू है वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2031 तक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति जो है ये आपके 10 साल के लिए लागू है, वर्ष 2017 से इसे लागू किया गया है जो आपके वर्ष 2027 तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक पार्क नीति जिसे वर्ष 2018 से लागू किया गया है और ये लागू रहेगा अगले 5 साल यानी कि वर्ष 2023 तक। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति ये लागू किया गया है वर्ष 2019 से और ये अगले 5 साल के लिए लागू रहेगा यानी कि वर्ष 2024 तक। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक है आपका सौर ऊर्जा नीति, इसका टाइम पीरियड याद रखना है। दूसरा है लॉजिस्टिक पार्क नीति, इसका टाइम पीरियड याद रखना है। और तीसरा है औद्योगिक नीति, इसका टाइम पीरियड, क्योंकि ये सभी के सभी लेटेस्ट है, बाकी ये जो है आपके एंड होने वाले हैं या कुछ आपके एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से जो लास्ट है कितनी आप याद रखिएगा कि जो सौर ऊर्जा नीति है वो 10 साल के लिए वर्ष 2017 से लेकर के 2027 तक लागू है, लॉजिस्टिक पार्क नीति वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक लागू है, औद्योगिक नीति जो वर्ष 2019 से लेकर 24 तक लागू है। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रदेश में कौन से आपके औद्योगिक नीति लागू है, यानी कि जब से हमारे राज्य का निर्माण हुआ तब से लेकर के अभी तक, अभी तक जो है अभी वर्तमान में कौन सी आपके औद्योगिक नीति लागू की गई है, पहली औद्योगिक नीति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपकी औद्योगिक नीति है ये औद्योगिक नीति आपके पांचवें नंबर की औद्योगिक नीति है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपके पांचवें नंबर की औद्योगिक नीति लागू है जो वर्ष 2019 से लेकर के 2024 तक लागू रहेगी, ठीक। देखिए समझिएगा, हम अभी जितने भी आपके औद्योगिक नीति देख रहे हैं यानी कि ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, ग्रामोद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति और लास्ट वाला है आपका औद्योगिक नीति, ठीक है। ये आपकी लॉजिस्टिक पार्क नीति को छोड़ करके जितनी भी नीति है ये हमेशा जो है इसका जो आपका स्टार्टिंग डेट जो है वो रहेगा 1 नवंबर, स्टार्टिंग डेट रहेगा 1 नवंबर और एंडिंग डेट रहेगा आपका 31 अक्टूबर। जैसे कि ये जो आपका औद्योगिक नीति है ये लागू हुआ है आपका 1 नवंबर 2019 से और एंड होगा 31 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। वैसे ही ये जो आपकी सौर ऊर्जा नीति है ये लागू हुआ है 1 नवंबर 2017 से, एंड होगा 31 अक्टूबर 2027 को, ठीक। लॉजिस्टिक पार्क नीति को छोड़ करके बाकी जो भी है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होकर के 31 अक्टूबर को एंड होंगे, ठीक है। कई बार डेट से प्रश्न पूछता है कि किस तिथि से लागू किया गया, तो 1 नवंबर 2019 से आपकी औद्योगिक नीति लागू की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क नीति। ये प्रश्न पूछा जाएगा और अभी कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़ में जो लॉजिस्टिक पार्क नीति है वो आपका 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो लॉजिस्टिक पार्क नीति है इसे 1 अप्रैल 2018 से इसे लागू किया गया है जो 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। देखिए, इस लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत आधुनिक एवं मशीनीकृत प्रक्रिया के द्वारा लॉजिस्टिक सेवा का विकास करना। लॉजिस्टिक सेवा का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े बड़े कंटेनर को क्रेन के माध्यम से उठा करके रखा जाता है। देखिए, जहां कहीं पे भी आपका जो लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा उसे रेल, रोड, वायु सभी प्रकार के परिवहन से उसकी कनेक्टिविटी रखी जाएगी ताकि जो सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा हो, ठीक है। ट्रेन की भी व्यवस्था होगी, सड़क की भी व्यवस्था होगी, जल परिवहन की भी व्यवस्था होगी, यानी कि सारी व्यवस्था, सारे ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी उसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपकी लॉजिस्टिक पार्क नीति। इसमें क्या है, आपके आधुनिक और मशीनीकृत प्रक्रिया के माध्यम से लॉजिस्टिक सेवा का विकास करना तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो आपके छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में आपका एक लॉजिस्टिक पार्क जो है आपका डेवलप यानी कि उसका विकास किया जाएगा। वर्तमान में जो है केंद्र सरकार की जो आपके पूरे भारत भर में टोटल आपके 22 लॉजिस्टिक पार्क का विकास कर रहा है जिसमें से एक हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो है पूरे भारत भर में आपके 22 लॉजिस्टिक पार्क जो है विकसित किए जा रहे हैं। पहला आपको ऑलरेडी जो है बन करके तैयार हो चुका है आपके असम राज्य में। छत्तीसगढ़ से जो है कौन सा आपका शहर शामिल है पूछा जाए तो वो है आपका रायपुर, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, ये करंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। देखिए इसमें से मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, एक चीज है आपका पांचवी औद्योगिक नीति। पांचवी औद्योगिक नीति यानी कि ये जो आपकी हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है यानी कि पांचवें नंबर की औद्योगिक नीति, उसको मैं आपको कवर नहीं करा रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे जिन लोगों ने पीडीएफ परचेस किया है उनको जो है आपके उद्योग वाले चैप्टर में वो पूरा का पूरा आपको टेबल बन करके मिल जाएगा, और जिन्होंने परचेस नहीं भी किया है उनके लिए जो है टेलीग्राम चैनल पे हम जो है एक पेज अपलोड कर देंगे, वहां से उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, उसमें केवल इंडस्ट्री के नाम याद करने हैं, उन्हें किस प्रकार की छूट दी जा रही है, कितने जो श्रमिक जो है जैसे कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, उन्हें जो है कितना कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, केवल उसमें उतनी ही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो उसे हम टेलीग्राम चैनल में उस एक पेज को अपलोड कर देंगे, वो भी जो जिन लोगों ने परचेस नहीं किया है वो भी उससे जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र ये होता क्या है, देखिए हमारे प्रदेश में जो है आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप किए गए हैं, उसको उनका जो है विकास किया गया, जैसे उरला, सिलतरा, दागोरी, ये बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपका भारी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में आपके लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, जिसे कहा जाता है IIDC, ठीक है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर बल देगा, ठीक है, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की स्थापना पर बल देगा। ये भारत सरकार की योजना है जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर देती है, ठीक। देखिए ये जो आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है यानी कि IIDC के अंतर्गत वर्तमान में हमारे प्रदेश में जो है आपके तीन एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र ऑलरेडी जो है आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका अनुमोदन कर दिया गया था यानी कि इनका जो है प्रारंभ करने की इनको परमिशन दे दी गई थी। तो वर्तमान में तीन आपके IIDC यानी कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कहां कहां पर है पूछा जाए, तो एक है आपका खमरिया, मुंगेली जिला के खमरिया में, कोरिया जिला के परसगढ़ी में, और रायगढ़ जिले के जो है आपके सियारपाली, महुआपाली में, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस एक स्थान पर जो है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है, तीन ऑप्शन में देगा और जो भी इन तीनों के अलावा चौथा होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से किस एक स्थान पर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है, तो तीन है और जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो नहीं है में रहेगा, ठीक है। तो खमरिया जो कि मुंगेली जिला में है, दूसरा है आपका परसगढ़ी जो कि कोरिया जिले में है, और तीसरा है रायगढ़ में है, सियारपाली, महुआपाली। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका IIDC है यानी कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, इनका तो अनुमोदन कर दिया गया है लेकिन कुछ जो है प्रस्तावित है जिन पर अभी कार्य चल रहे हैं, कौन कौन सा है, एक है आपका धुर्रा गांव जो कि बस्तर जिला में है, दूसरा है आपका अभनपुर जो कि रायपुर में है, तीसरा है सुकमा जो कि सुकमा जिले में है, और चौथा है जी जामगांव जो कि धमतरी में है। ये प्रस्तावित है यानी कि इनको भी स्थापित किया जाएगा, अभी केवल जो है आपका डिसाइड किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। अप्रैल का मतलब होता है अपैरल, एपेरल का मतलब होता है आपका वस्त्र यानी कि परिधान, जो हम ड्रेस पहनते हैं, तो उस ड्रेस की जो है आपके निर्माण के लिए ट्रेनिंग, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को, ताकि वो अपना एक उचित रोजगार जो है पा सके। तो हमारे प्रदेश के जो है आपके चार स्थानों में जो है आपके एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर मौजूद है, एक है रायपुर, दूसरा है भिलाई, तीसरा है राजनांदगांव और चौथा है सुकमा, ठीक है। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, सुकमा, देखिए 2019 से पहले केवल ये तीन ही मौजूद थे, कौन कौन से, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस एक स्थान पर एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर नहीं है, ऑप्शन दिया गया था रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, तो आंसर था आपका बिलासपुर। लेकिन वर्ष 2019 में जो है आपके सुकमा में भी एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर खोल दिया गया है, तो वर्तमान में आपके चार स्थानों पर एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर है और ये प्रश्न आया हुआ है, कहां कहां पर है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जैसे कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्स आपके कराए जाते हैं। एक आपका इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आपका सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये जो सीपेट है यहां पर आपके प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी कि प्लास्टिक से संबंधित जो है आपके कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका
सीपेट, हमारे प्रदेश का जो आपका पहला सीपेट है वो खोला गया है आपके भनपुरी रायपुर में। भनपुरी रायपुर में हमारे प्रदेश का पहला सीपेट मौजूद है, जबकि दूसरा जो है ये खोला जाएगा स्याही मुड़ी कोरबा में। ठीक है, कोरबा जिले के स्याही मुड़ी में दूसरा सीपेट खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का जो है पहला सीपेट यानी कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट किस स्थान पर खोला गया है, तो वो है आपका भनपुरी रायपुर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कुछ योजनाएं हैं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये दोनों के दोनों जो योजना है ये आपके रोजगार से संबंधित है, युवाओं को रोजगार देने से संबंधित। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, नाम से स्पष्ट है प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित ये योजना है, और दूसरा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि आपके राज्य सरकार की योजना है। ठीक, देखिए, जो आपके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये युवाओं को स्वावलंबी या तथा आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, दोनों में जो आपकी ये दोनों योजनाएं हैं इसमें युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, इन्हें लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना स्वयं का कुछ रोजगार स्थापित कर सके। ठीक है, स्वयं का रोजगार वो अपना स्थापित कर सके और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन सके। तो देखिए, जो आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री जो आपका युवा स्वरोजगार योजना है इसके अंतर्गत आपके युवाओं को स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, जो केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है इसके अंतर्गत पात्रता है आपका 18 वर्ष से अधिक आयु। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी जो आपका युवक है वो इसके लिए पात्र होगा। साथ ही साथ आठवीं तक की जो है, आठवीं तक वो पढ़ा लिखा हो यानी कि आठवीं पास हो, आठवीं क्लास उत्तीर्ण हो। SGS यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG, यहाँ SHG कीजिएगा, ठीक है, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में कहा जाता है स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है, अगर ये तीन चीज अगर कोई आपके कोई युवक या युवती सेटिस्फाई करते हैं तो वो इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, आठवीं उत्तीर्ण किया हो तथा SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर हम आपके राज्य सरकार की योजना की बात करें यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का हो यानी कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, दूसरा आठवीं उत्तीर्ण हो आपका, आठवीं पास हो, तीसरा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, इसमें जो है आपका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की सीमा क्या होगी, अगर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित अगर कोई आपका रोजगार यानी कि जो है अपना कोई एक विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कोई अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो उस कंडीशन में जो है 25 लाख रुपए तक की राशि यानी कि मैक्सिमम 25 लाख, ठीक है, 25 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई रोजगार का कोई आपका रोजगार प्रारंभ कर रहा है तो उसे 10 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि ऋण के तौर पर प्रदान की जाएगी। तीसरा है व्यवसाय यानी कि खुद का जो है कोई अपना दुकान डाल रहा है या खुद का अपना जो है छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसे 10 लाख रुपए की राशि तक की राशि जो है प्रदान की जाएगी आपके मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, आया वो प्रश्न है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए कितने रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो वो है 10 लाख रुपए अधिकतम। सेवा करके भी स्पेसिफाई करके पूछ सकता है, विनिर्माण करके भी स्पेसिफाई करके पूछ सकता है, एक बार आया हुआ प्रश्न है। वैसे ही जो आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, विनिर्माण क्षेत्र का अगर कोई उद्योग स्थापित या कुछ रोजगार प्रारंभ कर रहा है तो उसे 25 लाख रुपए मैक्सिमम, सेवा क्षेत्र का प्रारंभ कर रहा है तो 10 लाख रुपए मैक्सिमम, और व्यवसाय क्षेत्र का स्थापित कर रहा है तो 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम जो है उसे लोन यानी कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों योजना में विनिर्माण तथा सेवा सेम है, जबकि लास्ट का एक चेंज है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है व्यवसाय के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टैंडअप इंडिया योजना। स्टैंडअप इंडिया योजना ये भी आपके रोजगार से संबंधित एक आपका योजना है। इस स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत भी आपका ऋण यानी कि लोन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन किन्हें उपलब्ध कराया जाता है ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में इस स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत
एससी एसटी और महिला वर्ग को ही आपका लोन उपलब्ध कराया जाता है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, और आपकी महिला यानी कि फीमेल, केवल इन तीन कैटेगरी को ही आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत। और ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण पाने के लिए निम्न में से कौन जो है आपका अपात्र है, कौन अपात्र है, अपात्र पूछा जा रहा है। उसमें ऑप्शन दिया गया था एससी एसटी महिला और आपका एक सामान्य वर्ग, तो सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया है। इसमें केवल एससी एसटी और महिला वर्ग को ही जो है आपका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए इसके इसमें जो है आपको बैंक की शाखाओं को जवाबदारी सौंपी गई है कि वो अपने ब्रांच या अपने ब्रांच के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एससी या एसटी वर्ग के किसी एक व्यक्ति को या महिला उद्यमी यानी कि जो महिला जो कि कोई अपना एक स्वयं का उद्यम यानी स्वयं का कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित करना चाह रही है तो उसे ऋण उपलब्ध कराएगा वो बैंक की शाखा, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत, ठीक है। कहने की बात है लेकिन ये केवल आपके फाइलों में है, ऐसा कोई आपका ऋण सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। लेकिन फिर भी हमको याद रखना है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत जो है बैंक शाखाओं के द्वारा एससी एसटी तथा महिला वर्ग को जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए की तक की जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे आपका रेशम प्रभाग के बारे में देखेंगे। देखिए एक रेशम का जो है आपका एक कीड़ा होता है, एक कीट होता है जिसे आपका कृमि, जिसे हम कृमि भी कह सकते हैं, जिसे जो है आपके पेड़ों के ऊपर पाला जाता है, ठीक है। और वो जो रेशम का जो कीड़ा जो है अपने लार से जो है रेशम का निर्माण करता है, अपने थूक से वो रेशम का निर्माण करता है। हमारे जो प्रदेश में जो है सर्वाधिक, देखिए रेशम की भी जो है रेशम के कीड़ों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि टशर हो गया, मलबरी हो गया, ईरी हो गया, ये अलग अलग किस्म के जो है आपके जो है आपके कृमि है यानी कि जो रेशम बनाने वाले कीड़ों की अलग अलग प्रजाति है। तो हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक पालन किया जाता है रेशम के किस कीट का पालन किया जाता है पूछा जाए तो वो है आपके टसर कृमि का, ठीक है। सर्वाधिक टसर कृमि का पालन किया जाता है और इस कृमि को जो यानी कि इस रेशम के कीड़े को साजा या अर्जुनी के वृक्ष के ऊपर पाला जाता है, साजा या अर्जुनी के वृक्ष के ऊपर पाला जाता है। देखिए इस वित्तीय वर्ष में जो है हमारे इस मतलब हमारे प्रदेश में टसर कोकुन का जो उत्पादन हुआ वो हुआ आपका 948 लाख नग पालित, यानी कि इतने जो लाख नग जो आपके टसर कोकुन है उनका पालन किया गया था, ठीक है। एक बस इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, टसर कोकुन का हमारे प्रदेश में पालन किया जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।